www.chaitranavratri.com में हूँ आपके साथ दीक्षा भानप्रिय। इस बार चैत्र नवरात्रि 6 अप्रैल से शुरू हो रही है। चैत्र नवरात्रि की घट स्थापना चैत्र प्रतिपदा पर की जाती है, जो कि हिंदू वर्ष का पहला दिन माना जाता है। तो हिंदू वर्ष की शुरुआत 9 दिन तक माता जी की पूजा के साथ शुरू की जाती है। भगवान राम का जन्मदिवस चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन पड़ता है, इसलिए इसको राम नवरात्रि भी कहा जाता है। माँ दुर्गा की पूजा का ये पर्व इस बार 6 अप्रैल 2019 शनिवार से शुरू हो रहा है, जो 14 अप्रैल को रामनवमी के त्योहार के साथ संपन्न होगा। इस बार नवरात्रि 8 दिनों की है और देवी माँ इस वर्ष घोड़े पर सवार होकर आएंगी। ज्योतिष के अनुसार इसका फल छत्र भंग होता है। नवरात्रि के पर्व पर देवी के 9 शक्ति रूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा होती है। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि पर्व में 9 दिन तक देवी दुर्गा की पूजन की जाती है और दुर्गा सप्तशती का पाठ इत्यादि कर धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं में शक्ति की आराधना का महत्व का व्यक्त किया जाता है। इसी आधार पर आज भी माँ दुर्गा जी की पूजा संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ की जाती है। वर्ष में 2 बार की जाने वाली दुर्गा पूजा एक चैत्र माह में और दूसरी अश्विन माह में की जाती है। चैत्र नवरात्रि के पूजन का आरंभ घट स्थापना से शुरू हो जाता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर संकल्प किया जाता है। व्रत का संकल्प लेने के पश्चात मिट्टी की वेदी बनाकर जो बोया जाता है, इसी वेदी पर घट स्थापित किया जाता है। घट के ऊपर कुल देवी की प्रतिमा स्थापित कर उसका पूजन किया जाता है तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। पाठ पूजन के समय दीप अखंड जलता रहना चाहिए। दुर्गा पूजा के साथ इन दिनों में तंत्र और मंत्र के कार्य भी किए जाते हैं। बिना मंत्र के कोई भी साधना अपूर्ण मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति को सुख शांति पाने के लिए किसी न किसी ग्रह की उपासना करनी ही चाहिए। माता के इन 9 दिनों में ग्रहों को शांति करना विशेष लाभ देता है। इन दिनों में मंत्र जाप करने से मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।